हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और जा रहे हैं, तो जय हो माता रानी जी की और कवि देखो। हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हमारी तरफ से और हमारे नए ब्लॉग में आप सभी भाइयों का स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता ही है हम हैं वैष्णो माता के और हम पहुंच चुके थे रात को कमरे पे 4 बजे के समथिंग पहुंच चुके थे। तो उसका तो ब्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि हमने ब्लॉग पहले ही खत्म, इतनी ज्यादा हालत खराब हो गई थी, बैग हम भी अब जाग गए ही हो भाई ने, रात को आरोप की लगा पुराने पेड़ दियो सूखना दिया, सब कर रहे भाई तैयारी यहां से जाएंगे थी। और क्या सपना चौधरी आरो। तो दोस्तों और बने रहो ब्लॉग के साथ, दिखाएंगे आपको। तो भाई हम यहाँ पे पी रहे हैं चाय, इधर दीदी पी रही है, इधर निर्माण के लिए ना फटी मारा तो आरो ने भी पी लिए, पी लेते हैं भाई और फिर नहाई धोई करेंगे इसने नहीं तो भाई हम नहा धो के फ्री हो गए हैं अभी अभी और सब लोग नहा लिए हैं, तो हम यहाँ के जाने की तैयारी करेंगे। तो दोस्तों नहा लिया, तैयार हो चुके हैं और अभी कुछ खा पी के ट्रेन के लिए रवाना हुए हैं। तो ट्रेन का तो बहुत टाइम है, 3 बजे, लेकिन 12 बजे रूम खाली करना हम लोगों को, इसलिए हम यहाँ से जा रहे हैं और तो भाई हम यहाँ पे खा रहे हैं खाना और खा भी लिया, इधर बिट्टू खा रही है, इधर हम अज्जी जी खा रही है, देखो दाल चावल गोभी तो सब खाना खा रहे हैं। तो कर दिया हमने चेकआउट इधर और अभी हम निकल रहे हैं इधर से, यहाँ से सब लोग तैयार खड़े हैं, गाड़ी आने वाली है थोड़ी देर में, सब खड़े हैं इधर देखो, गाड़ी का वेट कर रहे हैं, गाड़ी आने वाली है, इधर मैंग सबसे पहले वेट कर रहा है। दोस्तों अभी हम निकल चुके हैं होटल से, होटल वाले की बहन ही नहीं आई, उसकी बहन पंचर हो गई, भाड़ में जाए उनकी तू। हाँ बेटा 2 मिनट में वैसे पहुँच जाएंगे हमने, क्योंकि स्टेशन के पास ही लिया है हमारा रूम, हेलीकॉप्टर भैया देंगे पानी, ये देखो पापा जी सिखा रहे हैं, ये भी पापा वाले आरू के ले आ रहे पीछे, ये देखो दोस्तों और दोस्तों ये देखो माता रानी का यहाँ से सीधा रास्ता दिख रहा है, ये देखो दोस्तों कैसी पगडंडिया, ये तो आधा है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये तो आधा है अभी आधी दूर, उसके पीछे की तरफ है माता रानी, उसके पीछे की तरफ इस पहाड़ के परली तरफ है दोस्तों, और सबसे ऊपर वो तो बहरू जी लग रहे हैं मुझे, हाँ वो बहरू जी है वहाँ सबसे वहाँ पे ऊपर माता रानी परली तरफ है, देख लो चोटी पे बस रहे, चोटी पे बिल्कुल शुक्र है ये इस पर्वत पे, उस वाले पे होते तो और ऊपर चले जाते उस पे, भाई कैसे रास्ता बनाते लोग। हाँ हाँ ये दो गणगौरी ये जा रही हैं आगे, पैर दुख गया, अब तो आगे तो स्टेशन के सामने ही थे हम लोग। तो दोस्तों हम आ गए हैं स्टेशन और देखो इधर को काम चल रहा है, तो पटरा स्टेशन अच्छा है, गौरी देख और बच्चे चल रहे हैं आगे आगे, तो वही इधर को रह गए मैया जी का मंदिर, मंदिर तो इसकी परली तरफ है, और पापा जी जीर भी आ रहे हैं पीछे को आरव को लेके, तो चलते हैं न्यास के, कभी दोबारा आएंगे अगर माता रानी बुलाएगी तो भाई। अरे सपना देख कितने सुंदर सुंदर पेड़ है, और देखो पानी साथ में है हमारे, क्योंकि हमको प्यास बेटा नहीं, क्योंकि प्यास आस लगती है ना बार बार, इसलिए स्टेशन अभी तक रहे हैं ना 3 बजे की, तो जब तक हम आराम करेंगे देखने। भाई हम यहाँ पे आ गए हैं, अमर पापा जी देखो सो रहा है लेट के, और इधर चीजी बैठी है, हम भाई जा रहे हैं ट्रेन पकड़ने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं और ट्रेन लग गई और नींद आने लग गई।
वैसे तो ट्रेन 3 बजे की है, हम पहले जाके बैठेंगे, तो इसलिए पापा जी आ रहे हैं पीछे, तो चलते हैं। और सीट भी हेरनी पड़ेगी ना पीछे, इसलिए पहाड़ी इलाका इधर की तरफ है स्टेशन, यहाँ का भाई कटरा, कटरा देखो कितनी ट्रेन खड़ी हुई है। तो भाई आ चुके हैं हम, और इधर बच्चे भाग रहे हैं बिट्टू बिट्टू, यहाँ पे हेली हवाई जहाज इतने ज़्यादा चलते हैं। तो भाई अब हम ट्रेन में बैठने वाले हैं, इधर जीजी कर रही है पापा जी को खड़ा, तो अब चलेगी 3 बजे। हम बैठ चुके हैं ट्रेन में और जा रहे हैं, तो जय हो माता रानी जी की, और कभी दोबारा भी बुलाएगी तो आएंगे जरूर। तो देखो कितनी अच्छी हरियाली लग रही है, और नदी भी है पर पानी नहीं है, और देखो वो जा रहा है रास्ता ऊपर के लिए। तो इसकी परली तरफ है मेन मंदिर, तो है देख फौजी खड़े हैं देख। हाँ तो भाई भाई माता रानी जय। और इधर हमारी जीजी देख रही है लेट के, तो सवन को मतलब हमारी एक वो है, एक कोच में है सवन की सीट, गाइस हमने चेंज कर ली वरना एक कोच में नहीं थी। हेलो फ्रेंड, इधर इसकी मम्मी देख रही है, ये दोनों माँ बेटी एक जैसी हैं, देखो फ्रेंड कहने वाली। हेलो फ्रेंड, हम जा रहे हैं सर, हां देखो चाय वाले पहुंच जाएंगे सुबह के, गिल खा रही है अभी। तो भाई यहां पे नमकीन नमकीन खा रही है जीजी लेट के। और तो वही हम देख सकते हैं, मतलब एक बार तो सोने की तैयारी हो गई थी, पर क्या ने हमको यहाँ का सीन बहुत अच्छा लगा हरा हरा, तो इसलिए वीडियो बनाने लग गई। देखो ट्रेन है ऊपर, नीचे है सड़क, तो रुक गई है ट्रेन, चल रही है, और मैं निर्मा दोनों एक सीट पे हैं, तो मतलब आराम से हम देख रहे हैं ऊपर से यहाँ का सीन। और दोस्तों पहुंच चुके हैं हम पुरानी दिल्ली, और पकड़ लिए दूसरी ट्रेन, इससे जा रहे हैं सरारोला स्टेशन पे। हमारी गाड़ी तो आज बिल्कुल बिफोर आई थी 4:30 बजे, और अभी देखो जी जी सब इधर बैठे हैं, रतराम इधर बैठा दूसरे केबिन में, उनके बच्चे और रतराम भी तैयार है चलने के लिए, इधर देखो मैं बैठा है और पीछे कविता। तो भाई हम आके पहुंच गए हैं, और देखो जी जी इधर बैठी हुई है, वैसे अभी आके रुके हैं, थक रहे हैं बहुत ज़्यादा, इधर बच्चे बैठे हैं, इधर निर्मा बैठी हुई है क्योंकि कह रहे मेरे दुख हो रहे हैं। और ये बिट्टू देखो मलिंगा, और पापा जी बैठे हैं बाहर खाट पे। तो सुबह के बज चुके हैं 5:30, और अब चाय यही बनाएंगे, दूध लेने गई हुई है। तो जी जी से पूछ रही हूँ थकान आ गई जी जी भाई, आज पता नहीं है रुक नहीं रही, हम कह रहे जी जी जा रहे, दो दिन रुकी ना रही थी, जावा की बोल गई, पता नहीं कह रहे पीन नहीं करेंगे, चाय बनाएंगे फिर चाय पियेंगे, आराम करेंगे, नाई धोई करेंगे, बिटो है बनाएंगे, तो आराम से खा के आराम करेंगे कुछ देर। हमारे जीजी के साथ कैसा लगा हमारा ब्लॉग?